डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जो इसमें दो पार्ट लिए गए हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले थर्मोडायनेमिक्स वन और उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स टू। तो सबसे पहले बेसिकली वर्ड आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो क्या करेगी बेटा, किसको स्टडी करेगी, हीट इन मोशन। हीट इन मोशन का मतलब क्या है कि जब जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाए एक मैकेनिकल वर्क के अंदर, तो क्या कहलाती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होगी बेटा, हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो स्टडी करती है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। या फिर अब जब हम हीट की बात करते हैं, मतलब एक प्रकार से हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की जो है अलग अलग फॉर्म होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी एनर्जी हैं। तो उन सब का जो कन्वर्जन है वो कौन स्टडी करती है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करती है। तो बेसिकली बेटा थर्मोडायनेमिक्स हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम हीट, वो क्या कहलाती है बेटा, हमारी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब थर्मोडायनेमिक्स हमें किस किस चीज़ के बारे में बताती है, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये बताए कि जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, उसके बारे में जो बताएगी वो हमारे को क्या होगी, हमारी फिजिबिलिटी। क्लियर है। दूसरा, ये हमें बताती है बेटा एक्सटेंट ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, कि जब भी कोई रिएक्शन चल रही है तो रिएक्टेंट हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो किस एक्सटेंट तक। एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मात्रा, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बताती है। तीसरा, ये हमें बताती है सम डेरिवेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कि जैसे हमारा रॉयट्स लॉ हो गया, उसको कैसे स्टडी करना है या उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताती है बेटा वो क्या होती है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की बेटा कुछ लिमिटेशन भी है, कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन आती है बेटा, इट स्टडी द बल्क फिनोमिना। जब भी ये स्टडी करते हैं किसी भी प्रोसेस को, तो किसको स्टडी करती है, बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है, पूरा मैटर को ही स्टडी करती है, इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में ये हमें कुछ भी नहीं बताती। सेकंड, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में तो बताती है, बट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बताती है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड, जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा वो कंसीडर करती है ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, केवल किसको कंसीडर करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, बट नॉट द पाथ फॉलोड। लेकिन वो किसको कंसीडर नहीं करती है, कि रिएक्शन ने कंप्लीट होने के दौरान कौन से पाथ को फॉलो किया, उसको जो है कंसीडर नहीं करती है। तो ये हमारी तीन लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्स।
यूनिवर्स के अंदर बेटा हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा उसके अंदर जो पहला पार्ट हो सिस्टम, और जो सेकंड पार्ट होता है हमारा वो होता है सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है बेटा, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिवर्स का वो हिस्सा क्या कहलाता है, सिस्टम। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, वन ग्लास ऑफ वाटर, अब हम किसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा, वन ग्लास वाटर को, मतलब वो क्या हो गया हमारे लिए एक प्रकार से सिस्टम हो गया, जबकि उसके आसपास जो बाकी का हिस्सा बच गया वो किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में, मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, जो कि इसके अंदर नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर है नहीं है। जैसे रिमेनिंग पार्ट अराउंड सिस्टम, जो बाकी का हिस्सा बच गया सिस्टम को छोड़ करके, वो किसके अंदर आता है बेटा, हमारा सराउंडिंग के अंदर। क्लियर है, मतलब जो यूनिवर्स है वो एक प्रकार से किससे मिलके बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके ये हमारा क्या बनाते हैं, पूरा एक यूनिवर्स बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद सिस्टम जो है हमारा तीन टाइप का होता है, सिस्टम जो हमारा कितने टाइप का होगा, तीन टाइप। कौन कौन सा सिस्टम, प्लस वन में भी आप पढ़ चुके हो, सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के कितने टाइप हमारे, तीन टाइप, कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, ओपन का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, खुला, मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर जो एनर्जी है और जो मैटर है वो एक्सचेंज होंगे सराउंडिंग के साथ में, मतलब जो भी सिस्टम हम लेंगे अगर वो सराउंडिंग में जा सके तो क्या कहलाएगा, हमारा ओपन सिस्टम। मैंने आपको बताया था अभी, सराउंडिंग क्या था, जो ग्लास ऑफ वाटर था उसको छोड़ के बाकी का जो हिस्सा, जैसे ग्लास वाटर है, और ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं हम, उसको रख देंगे तो थोड़ी देर में वो ठंडा भी हो जाएगा, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग में। दूसरा, उसकी कुछ वेपर भी बनेंगे, यानी मैटर का भी एक्सचेंज हुआ। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ, या फिर दोबारा लिखेंगे हम, ओपन सिस्टम क्या है, द टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सके वो क्या कहलाएगा, हमारा ओपन सिस्टम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वन हॉट ग्लास ऑफ वाटर, सपोज करिए ये हमारा गिलास है, इसके अंदर हमने हॉट वाटर लिया हुआ है। अब जब हम इसको रखेंगे तो इसके अंदर से जो है एनर्जी इस प्रकार से निकलेगी, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब सराउंडिंग के अंदर किसका एक्सचेंज होने लग रहा है, एनर्जी का। अब कुछ ना कुछ वाटर की वेपर भी बनेंगी, वेपर भी जो है बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है, मतलब साथ के साथ किसका एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का। वो सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ में, ये क्या हमारा सराउंडिंग और ये क्या हमारा सिस्टम,
तो जब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज कर सके उसको क्या कहेंगे हमें, ओपन सिस्टम। क्लियर है। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज का मतलब उसको बंद कर देंगे हम, मतलब अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ से क्लोज कर दूँ, यहाँ से अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, क्या अब जो मैटर हो बाहर जा पाएगा? मान लिया अगर वेपर भी बनेंगी तो हमारी यहाँ पे ही रह जाएंगी, बाहर तो जा नहीं सकती। लेकिन अगर ये ठंड गर्म है तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा डेफिनेशन में, द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर, मतलब जिसमें एक्सचेंज होगा एनर्जी का लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, जैसे ग्लास ऑफ वाटर, उसको अगर हम क्लोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्लोज सिस्टम। जबकि तीसरा क्या होगा हमारा, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, सेपरेट, मतलब जिसमें जो वाल है वो इस प्रकार से कर देंगे कि ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आ पाए, कोई एनर्जी अंदर आ पाए, और ना अंदर से कोई बाहर जा पाए। इस प्रकार से ये नहीं होगा। दूसरी बात, वो क्लोज भी होगा, मतलब जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का। द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नोर ऑफ मैटर, ना तो एक्सचेंज होगा एनर्जी का और ना ही बेटा किसका, मैटर का, वो क्या होगा हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क, आपने देखा होगा चाय को अगर हम थर्मोस में डाल देते हैं, अगर एक घंटे के बाद भी देखते हैं तो चाय हमें उतनी ही गर्म मिलती है, तो वो क्या होता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक बात और बताओ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि किसी भी सिस्टम के लिए 100% आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी सिस्टम को हम 100% आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब हम इसको नाम दे लेते हैं एक प्रकार से जेडी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है जेडी कॉन्सेप्ट, 100% आइसोलेशन ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर बी पॉसिबल, इट कैन बी अटेंड ओनली फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर स्टूडेंट, मतलब किसी भी मैटर का हम क्या नहीं कर सकते बेटा, 100% आइसोलेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सत्य, इट कैन बी अटेंड ओनली फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ ए टाइम। जैसे हमने थर्मस में चाय ली थी तो थोड़े टाइम के लिए तो गर्म रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा 3, या कुछ ऐसी थर्मस फ्लास्क भी आती हैं जो 10 से 12 घंटे भी जो चाय को गर्म रख सकती हैं, लेकिन हर टाइम आइसोलेशन हम नहीं कर सकते, उसको हम केवल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तक ही अटेन कर सकते हैं। अगर 100% आइसोलेशन होता तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज हमने चाय थर्मोस फ्लास्क में रख दी और अगर उसका 100% आइसोलेशन है, इसका मतलब वो 1 महीने बाद भी उतनी गर्म मिलनी चाहिए, 1 साल के बाद भी उतनी गर्म मिलनी चाहिए, या 10 साल के बाद, क्योंकि 100% आइसोलेशन तो तभी समझा जाएगा। तो 100% आइसोलेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे 24 घंटे 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में। अदरवाइज आइसोलेशन 100% जो है बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा जो है ट्रू है। क्लियर है। उसके बाद बेटा हम सिस्टम के कुछ और टाइप पढ़ते हैं फेज के बेसिस पे, कि जब रिएक्शन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस फेज के अंदर प्रेजेंट है। तो फेज के बेस पे सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक हमारा होमोजीनस सिस्टम और दूसरा होता है बेटा हमारा हेटेरोजीनस सिस्टम। कौन कौन से होंगे हमारे, होमोजीनस सिस्टम एंड हेटेरोजीनस सिस्टम। होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, और जीनस का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन।
मतलब जिसकी कंपोजिशन क्या हो सेम, जबकि हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, और जीनस का मतलब क्या होता है कंपोजिशन, मतलब जिसकी कंपोजिशन क्या हो डिफरेंट। अब सेम कंपोजिशन और डिफरेंट कंपोजिशन से मतलब क्या है हमारा, इसको हम समझते हैं। अगर बोला गया है आपको कि होमोजीनियस सिस्टम बताएं, तो क्या होगा द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लेंगे वो किसके अंदर होंगे बेटा सेम फेज के अंदर। सेम फेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ले लो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट हमारा गैसीय स्टेट में है तो जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा किस में होगा गैसीय स्टेट में, और अगर इसके अंदर हम कैटालिस्ट डाल रहे हैं तो कैटालिस्ट भी किस फेज में होना चाहिए हमारा गैसीय फेज, तो क्या कहलाएगा हमारा होमोजीनियस सिस्टम। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या हम कैटालिस्ट भी लिख सकते हैं वो किसके अंदर हो बेटा हमारे सेम फेज में, जैसे H2+I2 बनाता हमारा 2HI। अब H2 भी गैस है, I2 भी गैस है और 2HI भी गैस है, इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में बेटा सेम फेज में, तो सेम कंपोजिशन का मतलब क्या हो, इसको हम सेम फेज की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए यूनिफॉर्म, एक जैसा, तो क्या कहलाएगा बेटा हमारा होमोजीनियस सिस्टम। जबकि दूसरी तरफ क्या हमारा हेटेरोजीनियस, जो डेफिनेशन हमें लिखी है द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम की जगह क्या वर्ड आ जाएगा बेटा डिफरेंट फेज, जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे किस फेज में नहीं होंगे सेम फेज में नहीं होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन ए डिफरेंट फेज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में, इसको अगर हम हीट कर दें तो बनाता है CaO+ का CO2। अब ये सॉलिड है और CO2 क्या है गैस, अब क्या सारे सेम फेज में है, नहीं ये गैसेस फेज में, तो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हों अलग अलग फेज में होंगे वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब जो है सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके साइज के बेसिस पर, जैसे हम क्या बोल सकते हैं इसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज, और स्कोपिक का मतलब क्या होता है साइज, मतलब वो टाइप ऑफ सिस्टम जिसके अंदर क्या होंगे हमारे लार्ज नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल। जब हम किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारी संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एटम आयन या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्लियर है, इसके बाद आते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर, क्या आती है हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्या होते हैं हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जब हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके बिहेवियर के साथ जो प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ये जो टर्म्स हैं ये जो प्रॉपर्टीज एक प्रकार से कैसी हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है उसकी जो फंक्शनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी मेजरली टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो ये क्या होगी हमारे एक प्रकार से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है हमारा स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल, क्या आता है बेटा हमारा स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन क्या हुआ, अब जो प्रॉपर्टीज है हमारी प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम जो उसकी स्टेट क्या है
वो इन मेजरली तीन के द्वारा डिटरमाइन किया जाए। वैसे इसके अलावा और भी है, जैसे मोल भी हम ले सकते हैं, तो वो उसकी स्टेट को डिटरमाइन करता है, वो क्या कहलाता है हमारा स्टेट ए फंक्शन। और दूसरा क्या हमारा स्टेट ए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बदलना। मतलब अगर हम प्रॉपर्टी चेंज कर दें टेम्परेचर प्रेशर एंड ए वॉल्यूम, विद चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम उस सिस्टम की जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। उस सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं हमें स्टेट ए वेरिएबल। क्लियर है। अब इसके बाद जो स्टेट ऑफ ए सिस्टम है, क्या बात करते हैं हम इसकी, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड ए पाथ फंक्शन। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, जब हम सिस्टम की या तो क्या देखें उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, या फिर हम क्या देखें उसकी फाइनल स्टेट क्या थी। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हमारे उस सिस्टम की स्टेट के बारे में बताती है। ये किसको फॉलो नहीं करती, पाथ को फॉलो नहीं करती, कि उसका पाथ क्या है, वो क्या होगा हमारा स्टेट ए फंक्शन। जितने भी प्रॉपर्टीज हमारी हीट और वर्क को छोड़ के वो सारे क्या होते हैं बेटा, हमारी स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब वो केवल इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करती हैं, जबकि जो पाथ फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन क्या होगा, इसको मैं स्पेशल लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट हमारे लिए, किसी भी प्रॉपर्टी में पाथ फंक्शन के लिए क्या अहमियत होती है। तो क्या होगा हमारा पाथ फंक्शन, विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सिस्टम की इनिशियल और ए फाइनल स्टेट के ऊपर, साथ ही साथ एज वेल एज ए पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कि वो जो सिस्टम है वो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या पाथ फॉलो किया जा रहा है उस सिस्टम के द्वारा, वो क्या कहलाता है हमारा पाथ है फंक्शन। तो दो ही टर्म है बेटा, हीट एंड ए वर्क। याद रखना बेटा, अगर ये दोनों कहीं पे भी आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हमारा पाथ फंक्शन है, अदरवाइज कोई भी दूसरी टर्म बच गई वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टेट ए फंक्शन। क्लियर है। उसके बाद बेटा जो प्रॉपर्टीज है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर, उसकी अमाउंट के ऊपर, वो क्या कहलाती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी हमारी, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एग्जांपल के द्वारा दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। जैसे हम पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, या फिर बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर बोल सकते हैं हम मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर। मतलब वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, वो क्या कहलाएगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को याद करने का बेटा बहुत ही आसान तरीका है, आठ हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको मैं याद रखता हूँ जिमी वहम से। कैसे याद रखेंगे बेटा, जिमी वहम, जी स्टैंड करता है गिब्स फ्रीक्वेंसी, ई स्टैंड करता है एंथैल्पी, जो सेकंड ई है ये
एक्सपेंड करता है एंट्रोपी एम मास आई इंटरनल एनर्जी वी आपको पता ही है वॉल्यूम एच हीट और एम है मोल। तो आप केवल इन आठ प्रॉपर्टी को याद रखेंगे बेटा जो कैसी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये सारी की सारी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया मास ही ले लेते हैं आप। एक तो है एक इंसान जिसका जो वेट है वो है 50 kg और एक है जिसका वेट है 75 kg, क्लियर है। तो इन दोनों में मास किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों का मास इक्वल है, नहीं। क्या वॉल्यूम इक्वल होगा, नहीं। तो मतलब जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी के ऊपर। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। जैसे एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं हम डेंसिटी। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, वो ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये आठ याद कर लिए। इन आठ को छोड़ करके जो भी बच गया वो सारी क्या हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला लेते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी कैसे, जैसे सपोज करो एक हमने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया। अब बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्यों, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लो। जो बर्फ़ की डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, लो होती है। लो डेंसिटी के कारण आपको पता है कि चीज़ पानी पे तैरती है, तो आइस जो फ्लोट करती है किसके ऊपर है, वाटर के ऊपर। अब बर्फ़ का चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बर्फ़ की पूरी सिल्ली हो, तो दोनों ही केस में जो है वो क्या करेगी, वाटर के अंदर फ्लोट करेगी। मतलब वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या कहलाएगी हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर है, कर लेंगे। इसके बाद एक और लाइन लिखते हैं हम, जेडी कॉन्सेप्ट, कि अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लें। देखो बेटा कहीं एग्जाम में भी ये मत लिख लेना जेडी कॉन्सेप्ट। जेडी मेरे नाम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कहीं एग्जाम में भी लिखा हो जेडी कॉन्सेप्ट, टीचर भी ये सोचेगा भी ये कौन सा नया साइंटिस्ट आ गया। तो जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको जेडी कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिल करके क्या बनाती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है मास अभी पढ़ा हमने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम अभी पढ़ा हमने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मास बाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। लेकिन डेंसिटी क्या होती है बेटा, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है। उसके बाद और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ले लेते हम, जैसे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल बटे टोटल मोल किसके बराबर होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन के बराबर। लेकिन हमने अभी पढ़ा है मोल कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मोल बाय मोल यानी नंबर ऑफ मोल बटे टोटल मोल क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम चाई से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है हमारा प्रोसेस, दो तरह के होते हैं बेटा। एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। नाम से ही पता चला रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हो, क्या होगी हमारी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। दूसरी तरफ जो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब जैसे एक बार प्रोसेस अगर स्टार्ट होगा तो कंप्लीट होएगा, हम उसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन चल रही है
तो जितनी वो फॉरवर्ड जा रही है उतना है, उसको क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, वो क्या होता है रिवर्सिबल एक प्रकार से। हालांकि हम इसको इक्विलिब्रियम के साथ कंपेयर नहीं करते क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है एक सर्टेन लिमिट पे जाकर ही अटेन होता है, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, हम किसी भी स्टेप के ऊपर उसको हम बैकवर्ड भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। जबकि इरिवर्सिबल क्या हुआ, विच वंस स्टार्ट्स स्टॉप्स आफ्टर कंप्लीशन। एक बार अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट होगी तो पूरी कंप्लीट होकर ही रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी, वो क्या होंगे हमारे इरिवर्सिबल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे सारे जो नेचुरल प्रोसेस हैं बेटा, ऑल नेचुरल प्रोसेस, वो सारे के सारे कैसे हैं, इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस नहीं किए जा सकते। जैसे आज का दिन अगर निकला है तो उसको हम रोक नहीं सकते, वो कंप्लीट होगा ही और अगला दिन फिर से आ जाएगा, मतलब वो कैसा प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो लगाएगी, आप नहीं रोक सकते उसको, क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज करते हैं हमें कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हमने ऐसे पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन, वो जो पिस्टन है उस गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है पी, क्लियर है। यहाँ पर जो अंदर की तरफ गैस है वो प्रेशर लगा लिए पी इंटरनल, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको मान लेते हैं हम पी एक्सटर्नल। अब दो तरह की सिचुएशन है इसके अंदर, सॉरी तीन तरह की सिचुएशन लेंगे हम। पहला, जब पी एक्सटर्नल बराबर होगा पी इंटरनल के। सेकंड, जब पी एक्सटर्नल लेस होगा पी इंटरनल से। और थर्ड, जब पी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा पी इंटरनल से। तीन हमारी कंडीशन है इसके अंदर। अब क्या बोला इसने, पी एक्सटर्नल बराबर है किसके, पी इंटरनल के, मतलब जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है, मतलब जो पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसकी पोजीशन क्या नहीं होगी, डज नॉट ए चेंज। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, नाइदर एक्सपेंशन, ना तो गैस का क्या होगा बेटा, ना तो गैस एक्सपेंड होगी और नोर कॉन्ट्रैक्शन, और ना ही गैस जो हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो क्या कहलाएगा हमारा, जब पी एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, पी इंटरनल के बराबर होगा, क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद सेकंड केस हमारा, जब पी एक्सटर्नल लेस होगा किससे, पी इंटरनल से। अब पी एक्सटर्नल ये है, ये कम है किससे, पी इंटरनल से। तो गैस कब तक एक्सपेंड करेगी बेटा, जब तक पी एक्सटर्नल किसके बराबर नहीं हो जाता, पी इंटरनल के, मतलब याद रखेंगे अगर पी एक्सटर्नल कम होगा पी इंटरनल से, अब इंटरनल से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब उस केस में क्या होगा हमारा, एक्सपेंशन होगा। और याद रखेंगे आगे इस यूनिट को अच्छे से समझने के लिए, जब भी एक्सपेंशन होगा तो उस केस में गैस के अंदर क्या होगी हमारी, कूलिंग होगी, क्लियर है। तीसरी कंडीशन हमारी, जब पी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा किससे, पी इंटरनल से, मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल वो ग्रेटर है अंदर वाले से। तो पिस्टन क्या करेगा, सारे गैस मोलिक्यूल यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनको अंदर की तरफ धकेलेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा तो क्या होगा, मान लिया सपोज करो पिस्टन यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो उससे क्या होगा कि कंप्रेस हो गया, मतलब जब पी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा पी इंटरनल से, तो उस केस में हमारा क्या होगा बेटा, कंप्रेशन होगा। और याद रखेंगे कंप्रेशन होगा तो गैस के अंदर क्या होगी, हीटिंग अक्कर, क्या होगी बेटा, गैस में हमारी हीटिंग होगी, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं तीनों कंडीशन में। अब ये तो होगी एक कंडीशन, अब हम बात करते हैं इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे पॉसिबल है। सपोज करो हमने यहाँ पर सैंड रख दी, क्या रख दी, सैंड। जब सैंड रखी हमने, उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक्सटर्नल प्रेशर वो इंटरनल प्रेशर के बराबर हो गया, मतलब सैंड और पिस्टन का प्रेशर जो है दोनों मिलकर के इंटरनल प्रेशर के बराबर हुए हैं। द एक्सटर्नल प्रेशर प्लस सैंड प्रेशर इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, इट मीन्स देर इज नाइदर एक्सपेंशन नोर कंप्रेशन, क्लियर। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टू रिमूव पार्टिकल ऑफ सैंड। सपोज करो हमने यहाँ से एक पार्टिकल को रिमूव करा दिया, अब रिमूव करने से क्या हुआ, ये थोड़ा सा हल्का होगा पिस्टन, पिस्टन हल्का होने से क्या होगा बेटा हमारा,
पिस्टनल का होने से क्या होगा हमारा पी एक्सटर्नल कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से क्या होगा गैस एक्सपेंड करेगी, कब तक एक्सपेंड करेगी जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या नहीं हो जाते बराबर नहीं हो जाते। फिर एक पार्टिकल और रिमूव कर दिया हमने, फिर से प्रेशर कम होगा, फिर से गैस एक्सपेंड होगी, थर्ड रख दिया। अब अगर मैं क्या करूँ इन तीनों पार्टिकल को वापिस से यहीं पर रख दूँ दोबारा से इनको, तो क्या होगा शुरुआत में, अब तो रिएक्शन जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जा रहा था, वापिस से रखते पी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा वो इनसाइड आ जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी। मतलब इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं कि इस तरह की जो रिएक्शन है वो इन्फिनेटसिमली स्मॉल स्टेप्स के अंदर होती है, इसके अंदर होती है बेटा इन्फिनेटसिमली स्मॉल स्टेप्स। मतलब ये सोचा जाता है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, क्या आती है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। वो जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं बहुत ही आसान हैं और उनको समझना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले जो है हमारी आती है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या आता है बेटा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा सेम, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर टेम्परेचर जो हो क्या रहेगा सेम यानी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं द टाइप ऑफ प्रोसेस, या ये बोल सकते हैं सीधा इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसके दौरान जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे इस तरह के केस में तो वो क्या आएगा हमारा जीरो आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दोनों सेम है तो क्या आएगा जीरो आएगा। ये याद रखेंगे क्योंकि आगे जब रिलेशन आएगा तो वहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करते चलेंगे। सेकेंड जो टर्म आती है वो हमारी है आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसो का मतलब तो मैंने आपको बता दिया सेम है, बार का मतलब क्या होता है बेटा प्रेशर। आइसोबार का मतलब वो रिएक्शन जिसके दौरान जो प्रेशर है वो क्या रहेगा बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो पी है वो क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो तो हुआ ही नहीं, प्रेशर बस प्रेशर जितना था उतना हमने रखा है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब तो हम पढ़ चुके हैं, कोर का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से वॉल्यूम, मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स ए कॉन्स्टेंट। मतलब अगर इसमें भी डेल्टा वी निकालेंगे तो उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या रहेगी हमारी जीरो रहेगी, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा हमारा जो भी सिस्टम हम लेंगे, मान लिया सिस्टम हमने लिया है तो इसकी जो वाल होंगी वो क्या होंगी नॉन कंडक्टिंग होंगी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आ सकती है और ना ही अंदर से जो हीट है वो बाहर जा सकती है, मतलब जो इसके अंदर जो क्यू की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा हमारा वो प्रोसेस जिसके अंदर नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू द सिस्टम, वो क्या होगा बेटा हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, क्लियर है सबको। तो ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस, क्लियर है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।